अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान जोया और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। नाजरीन, आज के शो में आप देख सकेंगे। नहीं, चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब की कॉल है। अकल कॉल अटेंड ना की ना, तो कहीं मुझे मेहतरी ना कर दे। देखो, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई ना तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। रशीद, मकान की बकाया किस्ते तो अदा करता जाता। अब देखे, शेख ने आज पूरी तैयारी की है। आज से शेख एक एक दुश्मन को नेस्त और नबूद कर देगा। आज से शेख का नाम शेख रशीद नहीं। एक बार अपनी दवा खुद ही इस्तेमाल करके मरते मरते बचा था। उसी दिन मतलब बंद करके कुलचों वाला तंदूर खोल लिया था। बट्टा दाल, बट्टा मतलब पत्थर। जेल की दाल में दाल से ज्यादा पत्थर होती है। दान तोड़ने का ये जेल वालों का पुराना तरीका है। वजीर फैसल वाडा कहते हैं कि उनका डैम फंड पर कोई कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तो उनका अपनी जबान पर भी नहीं। उनकी जबान बिल्कुल उस साइकिल की तरह है जिसकी ब्रेक्स फेल हो चुकी हैं। असद उमर से इस्तीफा लेने के पीछे असल वजह क्या थी, आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर असद उमर, आपने मुईशत का अजीब इलाज किया है। उसकी तो हिचकियां ही बंद नहीं हो रही। ओहो, खटकता है, मैशत के प्लग में करप्शन का कचरा फंस चुका है। नैब से सबकी ट्यूनिंग करवाना पड़ेगा। हाँ साहब, मैशत में IMF का मोबाइल डालना पड़ेगा। खजाने का इंजन बिल्कुल खुश्क पड़ा है। इंजन का मोबाइल ऑयल कैसे खुश्क हो गया? आप मैशत के डॉक्टर हैं या मैकेनिक? हाय 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 खान साहब, बहुत बुरा हाल है। शदीद गर्मी है और फ्रिज और पंखे बंद हैं। ओहो, लेकिन बिजली तो आ रही है, ये फ्रिज पंखे क्यों बंद है? अरे खुद बंद किए हैं, बिजली बहुत महंगी हो गई है और सोच सोच के चलते पंखे के नीचे पसीना आने लगता है। बिजली इतनी महंगी हो गई है खान साहब, ठंडे पानी का एक गिलास 50 रुपए में पड़ता है। देखिये, असद उमर को डॉक्टर अवाम की तकलीफें दूर करने के लिए ही बनाया। देखो मेरी प्यारी अवाम, असद उमर पहले हकीमी इलाज ही करता था, लेकिन अब मैंने सख्ती से हदायत दी है कि ये एलोपैथी इलाज भी करे। हमने IMF से भी इंजेक्शन मंगवाया है। लेकिन मैं IMF के इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मुझे रिलीफ की गोलियां खिला दे। देखें, आखिरी बार बस ये इंजेक्शन लगवा ले, इसके बाद हम IMF वाला इंजेक्शन ही तोड़ देंगे। मैं अभी एक मीटिंग से होकर आता हूं। चलो भाई, लेट जाओ। डॉक्टर असद उमर साहब, महंगाई के इतने इंजेक्शन लगे हैं कि पूरा जिस्म पंचर हो गया है, आप मुझे जाने दे। ओहो, घबराओ नहीं, डॉक्टर असद साहब पुराने पंचर के ऊपर नया इंजेक्शन लगा देंगे। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा इंजेक्शन है। अभी पिछले दिनों आपने पेट्रोल का इंजेक्शन लगाया था, अब नहीं लगवाऊंगा। अरे डराओ, लेट लेट हो जरा। सिस्टर, अवाम का ध्यान कहीं और लगाओ। बस 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 हो गया। ये खून हमने IMF लेबोरेटरी भिजवाना है ताकि उन्हें यकीन आ जाए। अभी पाकिस्तानी अवाम का खून मजीद और निचोड़ा जा सकता है। मर गए, एक और इंजेक्शन नहीं। हाँ भाई असद उमर, अवाम की तकलीफों का इलाज हो गया क्या? इलाज तो हो गया है, लेकिन अवाम कहीं नजर नहीं आ रही। इमरान खान साहब,
और मैं इधर हूँ। देखिए असद उमर साहब ने आवाम का क्या हाल कर दिया है। ये क्या किया असद उमर, महंगाई का इंजेक्शन एकदम लगा दिया। मैंने कहा भी था महीने महीने के वक्त से लगाना। हाँ साहब, इतना इंतजार करने की क्या जरूरत है, आप देखें तो सही मैंने गुर्बत कितनी छोटी कर दी है। मेरा मतलब है कि कम कर दी है। वाह असद उमर वाह, जिस तरह तुम आवाम का, अब मेरा मतलब है मईशत का इलाज कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम वजारत खजाना फौरन छोड़ दो, बल्कि हो सके तो मेरी जान छोड़ दो। आइए देखते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की शागिर्दी के बाद हमारे सियासतदान किस तरह के हो सकते हैं। बुजदार साहब, आपका कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है, अब आप पंजाब के हर सरकारी दफ्तर पर आंख रख सकते हैं। आंख तो आवारा लड़के रखते हैं, लड़कियों पर दफ्तरों पर कौन आंख रखता है। ओहो बुजदार साहब, मेरा मतलब है कि आप वीडियो कॉल के जरिए चेक कर सकते हैं कि दफ्तरों में काम हो रहा है या नहीं। तो ऐसे कहो ना, चलो किसी सरकारी दफ्तर कॉल मिलाओ, पता तो चले कि सरकारी मुलाजिम काम कर भी रहे हैं या नहीं। जी मैं बोला। किसकी कॉल आ गई? चीफ मिस्टर कॉलिंग। आपने इतनी देर से कॉल क्यों अटेंड की? बुजदार साहब, मैं काम में बहुत मसरूफ था, इसलिए कॉल का पता नहीं चला। शाबाश, मुझे ऐसे ही मेहनत से काम करने वाले अफसरों की जरूरत है। बिल्कुल जी, आवाम को भी पता चलना चाहिए कि तब्दीली आ गई है, अब हर कोई मेहनत से काम करता है। ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो, मेरी तरह तुम भी बहुत तरक्की करोगे। शहबाज गिल साहब, किसी और अफसर का नंबर मिलाओ। जी जी। जानू, मुझे ही घुमाते रहोगे या फिर ऑफिस भी जाना है? ऑफिस जाकर क्या करना है, हफ्ते में एक दिन चले जाते हैं, बहुत है। क्यों, कोई ऑफिस में पूछने वाला नहीं? और जानू, मैं सरकारी अफसर हूँ, कोई प्राइवेट नौकर नहीं हूँ। बुजदार साहब की कॉल, अब क्या करूं, चीफ मिनिस्टर बुजदार साहब की कॉल है, कॉल अटेंड ना की ना, तो कहीं मुझे मेहतरी ना कर दे। देखो अगर तुम्हारी नौकरी चली गई ना, तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। बुजदार साहब, हेलो हेलो उस्मान बुजदार स्पीकिंग। ऑफिसर, क्या हुआ तुम्हें? क्या बताऊं बुजदार साहब, ऑफिस से खाना खाया था, खाना अच्छा नहीं था, ऐसा हो गया। फिक्र ना करें, मैं आज ही हुक्मनामा जारी करता हूं कि तमाम सरकारी दफातर में 5-star होटलों से खाना आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आराम करो और ऐसे ही मेहनत से काम करते रहो। ए खुदा हाफिज। वे तू लौंग वे मैं लाची। हाय रशीद, मकान की बकाया किस्ते तो अदा करता जाता। देखे शेख ने आज पूरी तैयारी की है। आज से शेख एक एक दुश्मन को नेस्तो नबूद कर देगा। आज से शेख का नाम शेख रशीद नहीं। एक बार अपनी दवा खुद ही इस्तेमाल करके मरते मरते बचा था, उसी दिन मतलब बंद करके
कुलचों वाला तंदूर खोल लिया था। वट्टा दाल, मैं समझी नहीं। वट्टा मतलब पत्थर। जेल की दाल में दाल से ज्यादा पत्थर होती है। कान तोड़ने का ये जेल वालों का पुराना तरीका है। मुल्क में सदारती निजाम की नई बहस चल निकली है, लेकिन खराब ईंटों से मकान बने चाहे बंगला, एक ही झटके में जमीन बोस हो जाएगा। अद्वियात महंगी होने की वजह से आवाम की मुश्किलात का शिकार है। आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे शोहर को बचा लें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अभी तो इसे इस महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली थी। हौसला रखें बीबी, हौसला। हाय रशीद, रशीद तूने मरना ही था तो 2-3 करोड़ की बीमा ही करा लेता। हाय डॉक्टर साहब, मेरा शोर बच तो जाएगा ना? अगर आप खामोश हो जाएं तो फिर ये जरूर बच जाएगा। वैसे इसे हुआ क्या था? वो खुदकुशी करने की कोशिश की थी इसने। खुदकुशी करने की कोशिश, यानी अपनी बीवी को खुद ही बेवा करने का प्लान बनाया था। लेकिन इसने खुदकुशी की कोशिश क्यों की थी? यकीनन वोट देकर पछता रहा होगा। किसी ने ना इसका नाम नैब में दे दिया था कि इसके पास अरबों रुपए के सासे हैं। अरबों रुपए के सासे, और इसके पास? ओ, ये सरकारी मुलाजिम था क्या? ओ नहीं जी नहीं, ये मोटरसाइकिल से ही करता है। और ये तो आज तक सऊदी अरब भी नहीं गया, इसके पास कहां से अरबों के सासे आ गए? बस जी, दिहाड़ी भी कम ही लगती थी। एक तरफ गुरबत ने और दूसरी तरफ ने अपने तंग किया हुआ था। बस जी, फिर इसने पंखे से लटक कर ना खुदकुशी कर ली। और पंखे का पर भी टेढ़ा हो गया। हाय रशीद, मकान की बकाया किस्ते तो अदा करता जाता। देखें बीबी, अभी आपका बंदा जिंदा है। अगर आप इतनी फरमाइशें डालेंगी तो ये सचमुच मर जाएगा। खामोश होकर खड़ी रहें। ये मैं कहाँ हूं? मैं तो मर गया था। हैं? जन्नत में भी डॉक्टर होते? तेरे इतने अच्छे करतूत नहीं कि मरने के बाद भी तू जन्नत में जाएगा। हाय हाय, खुदकुशी करते वक्त तुझे जरा शर्म नहीं आई? हया नहीं आई है? मेरा पंखा छत का टूट जाता तो वो कौन ठीक कराता? तू तो बड़े आराम से मर गया था। देखें बीबी, अगर आप चाहती हैं कि आपका बंदा मुसलसल जिंदा रहे तो मुंह बंद रखे। मुझे क्यों बचाया आप लोगों ने? ओ, मैं मर जाता तो अच्छा था। अब कर्ज वापिस मांगने वाले फिर तंग करेंगे मुझे। जी जी, अभी आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। बस आप इनको खुश रखें, इनको कोई टेंशन ना दें। टेंशन इनकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। जी जी, मैं इन्हें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं दूंगी। चलिए सरताज, मैं आपको घर जाके गरम गरम चाय पिलाऊंगी। अगर एक बार खुदकुशी करने से तो मेरी बीवी इतनी मोहब्बत करने वाली हो सकती है तो मैं रोज खुदकुशी करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, खुदकुशी हराम है। ये बिल है और ये मेरा छोटा सा बिल है, बाहर काउंटर पर जमा करवा दें। एक मिनट डॉक्टर साहब, दवाइयों का इतना ज्यादा बिल? मेरे शोहर ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, कोई मेडिकल स्टोर नहीं खरीद लिया था। मुझे दिखा यार बिल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय मैं मर गई। हाय अल्लाह बख्शे, पंखे से लटक कर नहीं मरा, दवाइयों के बिल देख के मर गया। हाय मैं मर गई। ये बिल भी जमा करा दें और अपने शोहर को ले दें।
वो बेड़ा गर्व के ही मेरे पैसे भी ना मर जाएं। शेख रशीद साहब दुश्मनों से बदला लेने के लिए क्या कर रहे हैं, आइए आप तो दिखाते हैं। शेख साहब, मुर्गी जबा करने के लिए ये छुरी बहुत बड़ी नहीं? अबे नेल कटर से बेर काट कर खाने वाले, मैं जंग के लिए तलवार तेज कर रहा हूँ। जंग के लिए तलवार? शेख साहब, तलवार से क्या दुश्मन के नाखन काटने? बंदूक चलाएं शेख साहब, बंदूक। अब बंदूक भी चलाई थी, गली 2 किलोमीटर आगे गिरी तो शेख 6 फुट पीछे गिर गया था। शेख साहब, काफी भारी तलवार है, कहीं अपने ही सर में ना मार लेना। अब देखे शेख ने आज पूरी तैयारी की है, आज से शेख एक एक दुश्मन को नेस्तो नबूद कर देगा। आज से शेख का नाम शेख रशीद नहीं, शेख सिकंदर आजम है। फौरन घोड़ा मंगवाओ। शेख साहब, खाली घोड़ा मंगवाओ या 60 टांगा भी लगाना है? शेख ने बाटी लोहारी सवारियां लेके नहीं जानी, जंग करनी है जंग। फौरन घोड़ा मंगाओ, आज तो या शेख रहेगा या फिर दुश्मन। तो शेख साहब, फिर मेरी तरफ से एडवांस ताजियत कबूल फरमाएं। मेरा मतलब है करता हूं। हेलो, जल्दी से शेख साहब के लिए एक अदद घोड़ा लाएं। शेख साहब, घोड़ा ना मिले तो गधे को ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहना कर ले। और नहीं है, गधे से शेख का रोब नहीं पड़ना दुश्मनों पर, और घोड़ा चाहिए घोड़ा। शेख आज दुश्मनों को बता देगा कि उनकी लाखों की फौज के सामने अकेला शेख ही काफी है। और शेख साहब, एक तलवार से आप 1 लाख मक्खी नहीं मार सकते, तो 1 लाख दुश्मन कैसे मारेंगे? मेरा मतलब है, आ रहा घोड़ा, जल्दी से घोड़ा लाओ। चूहा बचाओ, बचाओ चूहा, बचाओ चूहा। शेख साहब, आहिस्ता बोले, चूहा डर जाएगा। मेरा मतलब है, किधर है चूहा? जहां वहां, इधर है, बचाओ बचाओ। और शेख साहब, चूहा नहीं है, आपका वहम है। बचाओ बचाओ, चूहे ने हमला कर दिया, अब बचाओ बचाओ। शेख साहब, शेख साहब। ओ भाई, घोड़ा कैंसिल कर दें और जल्दी से एक एम्बुलेंस भेज दे, जल्दी करें। शेख साहब, शेख साहब, शेख साहब, ओ शेख साहब। एक बार अपनी दवा खुद ही इस्तेमाल करके मरते मरते बचा था, उसी दिन मतलब बंद करके कुलचों वाला तंदूर खोल लिया था। वट्टा दाल, मैं समझी नहीं। वट्टा मतलब पत्थर, शेर की दाल में दाल से ज्यादा पत्थर होती है। कान तोड़ने का ये जेल वालों का। चीफ जस्टिस ने कहा है कि सरकारी स्कूलों का मायार बेहतर नहीं, असातजा घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। तभी तो जो बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं उन्हें खुद स्कूल के स्पेलिंग भी ठीक से नहीं आते। ऐसे स्कूलों के असातजा घरों में जबकि बच्चे प्लेग्राउंड्स में पाए जाते हैं और क्लासरूम्स में सिर्फ फर्नीचर पाया जाता है। आपके दिल की धड़कन बता रही है कि आपके अपने हमसाई से नहीं बनती, और दर्द भी वक्त पे कपड़े नहीं देता, और आपकी मुलाजम आपकी नेल पॉलिश में पानी मिला देती है। बहुत ही पहुंचे हुए लग रहे हैं आप हकीम साहब, एक एक बात गलत बताइए। माफ कीजिएगा, गलती से आपकी नब्ज के बजाय हाथ घड़ी पे चला गया, इसलिए आपका दिल धक धक के बजाय टक टक कर रहा था। मुझे लगता है कि आप वो हकीम हैं जो भैंसों को टीके लगाते लगाते तरक्की करके हकीम बन गए। साइंसदान भी तो जानवरों पर तजुर्बे कर करके इंसानों के इलाज शुरू कर देते हैं। तजुर्बे तो आजकल हुकूमत कर रही है आवाम पे, ये जानने के लिए कि आवाम कितनी सख्त जान है। इसीलिए तो हमने कुलचे लगाना छोड़ के मतलब दोबारा से खोल लिया है। मतलब दोबारा खोल लिया, तो पहले क्यों बंद किया था?
एक बार अपनी दवा खुद ही इस्तेमाल करके मरते मरते बचा था। उस दिन मतलब बंद करके कुलचों वाला तंदूर खोल लिया था। तो कुलचे ही लगाते रहते, दोबारा क्यों आवाम की सेहत से खेलने की ठान ली है? आवाम की सेहत से तो हुकूमत खेल रही है। पेट दर्द की दवा इतनी महंगी है कि कीमत सुनते ही चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। अरे मेडिकल स्टोर पर लोग जुकाम की दवा लेने जाते हैं, कीमत सुनकर बुखार चढ़ जाता है। दवा की पैकिंग पर लिखा होता है कि ये दवा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। हमारी हुकूमत ने इसे यूं समझा कि हर दवा आवाम की पहुंच से दूर रखें। दवा तो दवा, अब तो सरकारी डॉक्टर भी आवाम की पहुंच से दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब तो अस्पताल में डॉक्टर सिर्फ हड़ताल के मौके पे नजर आते हैं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर मरीज से ऐसे भागता है जैसे फुटबॉल को किसी ने किक लगा दिया। एलोपैथिक दवाएं खा खा के आवाम के मेदों में सुराख हो जाते हैं। आदमी सर दर्द की दवा खाता है तो पेट खराब हो जाता है। अरे पेट खराब की दवा खाता है तो जिगर में सोजिश हो जाती है। अरे जिगर सोजिश की दवा ले तो गुर्दों का मसला हो जाता है। यानी दवा में इलाज के साथ साथ अगली बीमारी का सिस्टम भी रख दिया गया है, ताकि मियां बीवी बच्चों के साथ साथ दवा साज कंपनियों को भी पालता रहे। और इन तमाम का तोड़ है यूनानी दवा खाना। पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, जोड़ों के अंदर दर्द हो, गुर्दों के अंदर पथरी हो, कोई बीमारी हो, सिर्फ एक ही इलाज, यूनानी फक्की। कीमत सिर्फ ₹10। खुदा का खौफ करे हकीम साहब, एक ही फक्की में आपने सारी बीमारियों का इलाज डाल दिया है, ये कैसे मुमकिन? ये दम की हुई फक्की है, फक्की अंदर दम बाहर। मेरा मतलब है कि फक्की अंदर बीमारी बाहर। शुगर, ब्लड प्रेशर, नजर की कमजोरी, खून की कमी, सब का इलाज एक फक्की में। फिर तो ये फक्की ना हुई, पूरा हॉस्पिटल हो गया। ऐसे मुझे तो आप बताए हकीम लगते हैं, जो एक ही फक्की में हर इलाज का झांसा देते हैं। आप ये फक्की खा कर देखें, आपकी उम्र पूरे 10 साल कम ना हो जाए तो फिर कहना। क्यों? ये फक्की खाते ही मेरे शनाख्त पैदाइश कम हो जाएगी। आप अभी यहाँ से कूच करें, वरना पुलिस को बुलाती हूँ मैं। अरे पुलिस? अब पुलिस वाले तो इतने जालिम हैं, उन्हें हकीम और मालशी में फर्क ही महसूस नहीं होता। अरे पिछली बार भी पूरे 4 दिन मुझसे पूरे थाने की चंपी करवाते रहे। अरे फक्की नहीं लेनी नाले, धमकियां तो ना दे। हम तो वैसे ही जा रहे थे, यूनानी फक्की ₹10। मियां नवाज शरीफ साहब की आजकल क्या मसरूफियात हैं, आइए जानते हैं हॉटलाइन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके बैचलर होस्ट एस एच शहजादी और आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम हॉटलाइन। सोटी घुमावा तो रैम ना खावा। हमारे आज के शो में हमारे मेहमान हैं जी परवेज खटक साहब। हैं? और खटक साहब, आपने मियां साहब वाला गेटअप करा लिया है? पुलिस में होने का ये मतलब नहीं, क्या तुम दिमाग से बिल्कुल काम न लो। मैं ही नवाज शरीफ हूँ, जेल से मुझे रिहाई क्या मिल गई, तुम सब लोग मुझे भूल ही गए। जेल में था तो सब मुझ पर इतने खाके बनाते थे, अब मेरा जिक्र ही नहीं। मियां साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हमने सोचा जी कि आपको क्या ज्यादा परेशान करें। और जेल का माहौल ही ऐसा होता, हाथी जितना बंदा मोटा जेल में जाए 4 महीने में सुकड़ के गुलेरी जितना रह जाता। जेल के पानी का जायका भी ऐसा होता है जैसे पानी कपड़े धोने वाली मशीन से आ रहा हो। मियां साहब, जेल तो फिर जेल ही होती है ना जी। हमारे यहाँ कोई मुलजम 4 दिन के लिए भी आ जाए ना, तो अगला पूरा महीना उसे अस्पताल एडमिट होना पड़ता है। खाना घर से आता था, लेकिन जेल की हवा की तासीर ऐसी थी, घर के मटन कोरमे का जायका भी जेल की वट्टा दाल जैसा लगता था। वट्टा दाल? मैं समझी नहीं। वट्टा मतलब पत्थर। जेल की दाल में दाल से ज्यादा पत्थर होती है। दांत तोड़ने का ये जेल वालों का पुराना तरीका है। अच्छा, मैं बड़ी देर से देख रही हूँ कि आपने लेग पीस पकड़ा हुआ है लेकिन खा नहीं रहे। डॉक्टर ने चिकन खाने से मना किया। जी फिर आपने क्यों चिकन पीस पकड़ रखा है? डॉक्टर ने खाने से मना किया है,
चाटने से तो नहीं ना किया। तो ये बताएं मियां साहब, आपने जेल में कोई किताब क्यों नहीं लिखी? या तो जी जो भी सियासी लीडर जेल गया है, एक दो किताबों की डिलीवरी जरूर दी है। पागल हूँ मैं, अगर मैं किताब लिखता तो नए वालों ने उसमें से भी किसी न किसी सफे पर कोई केस निकाल लेना। मैं का क्या भरोसा, तो मुझसे मेरे ख्यालात की भी रसीद मांग लेती। अच्छा मियां साहब, खान साहब की हुकूमत को 8 महीने हो गए जी, आप क्या तबसरा फरमाएंगे? इमरान खान की हुकूमत सिर्फ एक पाल वाले जहाज जैसी, जिसका इंजन स्टार्ट करके सिर्फ शोर मचाया जा सकता है, उड़ाया नहीं जा सकता। ओ जी, डॉलर 140 से ऊपर चला गया जी। वो कहते हैं कि सारा कुछ आपके दौर में लिए गए कर्जों की वजह से हुआ है। अवल तो कर्जे मैंने भी इस हाथ ठार नहीं, दूसरा हमने कर्जे लेके मोटरवे बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई, उन्होंने कर्जे लेके सिर्फ बातें बनाई। हाँ मरियम, नहीं मैं कुछ कहा तो नहीं रहा। मुझे पता है, मुझे डॉक्टरों ने मना किया है। ये तो डॉक्टरों से मैं तंग आ गया हूँ। कद्दू बैंगन टींडे ये खाकर मेरा मैदा सब्जी मंडी बन गया है। मैं आ रहा हूँ, लेकिन करेले के जूस के बाद मुझे एक चॉकलेट खिला दिया करो। करेला जूस पीने के बाद मेरी जुबान बिल्कुल फवाद चौधरी जैसी कड़वी हो जाती है। हाँ मैं आ रहा हूँ। मियां साहब तो यहाँ से चले गए हैं जी, मुझे भी दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफिज़। भारतीय तजिया निगार बरखा दत्त ने कहा है कि नरेंद्र मोदी 5 साल की बुरी कारकर्दगी के खौफ के साथ इंतखाबात लड़ रहे हैं। हमें तो ये डर है कि कहीं नरेंद्र मोदी अपनी 5 साल की नाकामी का मलबा भी पाकिस्तान पर ना डाल दें, कि पाकिस्तान ने इन्हें ठीक से काम ही नहीं करने दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी आवाम को 2 की बजाय 1 रोटी खाने पर क्यों इसरार कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मुश्ताक गनी साहब, आपने मेरे आगे से रोटी क्यों उठवा ली? मैं बेगम से कह के और बनवा लेता हूँ, आप तशरीफ रखे। मुल्क का हालात बहुत सख्त है, खजाने में कोई पैसा नहीं है, तुम 2-2 रोटी खाते है, वह शर्म करो। चलो अभी और घरों में भी चापा मारने आओ। चंगा तरीका महंगाई खत्म करने का, पहले महंगाई करके रोटी छीन ली, अब महंगाई खत्म करने के रोटी छीन ली। नाजरीन कैसा लगा आपको आज का शो, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, जैसा कि आप अपना फीडबैक हमेशा से देते आए हैं। अपना फीडबैक देने के लिए हमारे ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, क्योंकि जमहूरियत है @24newshd.tv। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं। फेसबुक सर्च में टाइप कीजिए क्योंकि जमहूरियत है। जोया को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज। डॉक्टर असद उमर, आपने मीशत का आप सब की इमरान खान की हुकूमत, आप आखिरी बार ये इंजेक्शन बन सर मैं बोल रही हूँ, देखिए तो सही गिलहरी की तरह टुकुर जाता है। घबराओ नहीं डॉक्टर, अच्छा पुरानी।